हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तेजस काले। तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा टीके चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लेके आओ जो कि मेरे कंटेंट के अलग है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाया है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, जो कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस इंडिया में फैला हुआ है उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हमारे इंडिया में कितने पीपल इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये है हाउ मेनी पीपल इन्फेक्टेड टू कोरोना वायरस इन इंडिया लेटेस्ट एज पर द इंटरनेट डेटा वी विल डिस्कसिंग इन दिस वीडियो एंड आई एम एडिंग सम ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आगे बढ़ते। वॉट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? This article is about the group of viruses. The coronavirus short form is COVID-19. For the diseases involved in 2019-20, the coronavirus is started from the China, Wuhan. तो China में Wuhan करके नाम है, वहाँ से ये started हुआ है, China country में से. So our Indian people is also infected to the coronavirus because our Indian people are going there for the purpose of employment, so some people are also infected. तो हमारे इंडिया के कोई कोई लोग जो कि वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चाइना में गए थे, तो उनको भी वहाँ पे स्प्रेड हुआ ये वायरस और वो हमारे कंट्री में रिटर्न आ गए। उसके बाद वो हमारे कंट्री में स्प्रेड हो गया पूरे और ये सब चालू हो गया। देन कैन कम बैक टू होम कंट्री एंड दिस वायरस इज स्प्रेड इन अवर कंट्री। सो गवर्नमेंट क्विकली टेकिंग द इनिशिएटिव एंड स्टार्टिंग दिस सीनरियो। एग्जाम्पल, बाद में एयरपोर्ट चेकिंग हुए, ट्रेन चेकिंग हुए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पे चेकिंग चालू कर दिया कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनको वायरस है या नहीं, जो कि चेकिंग मशीन था उन लोग के पास। सो और वॉट इज COVID-19? इट इज़ कॉज बाय अ मेम्बर ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली that has never been encountered before. Like the coronavirus, it has transferred to humans from animals. मतलब ये animals से, जो कि ये animals को होता था वो humans में transfer हो गया। The World Health Organization WHO has declared it is a pandemic. मतलब ये WHO World Health Organization ने declare कर दिया pandemic, मतलब जो ये स्प्रेड होगा पूरे देश भर स्प्रेड होगा, एक को हुआ तो ये स्प्रेड होगा इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते। हाउ टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस? आप कैसे बच सकते हैं कोरोना वायरस से और क्या करें? तो चलिए देखते। देयर इज करंटली नो वैक्सीन टू प्रिवेंट कोरोना वायरस डिसीजेस COVID-19। तो इसके लिए कोई भी दवाई अभी तक निकली नहीं है कि इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते। यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड हेल्प प्रिवेंट स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस टू अदर्स इफ़ यू। ये स्प्रेड होने से बच सकता है आप जो ये करेंगे तो। चलिए आगे देखते। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली फॉर 20 सेकेंड्स विथ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो आप अच्छे से हाथ धोएंगे 20 सेकेंड तक और सोप लगा के और अल्कोहलिक बेस, तो ये कोरोना वायरस होने से बच सकते। आप रेगुलरली हैंड वॉश करते रहिए। बाद में आगे देखते। कवर योर नोज एंड माउथ विथ अ डिस्पोजेबल टिश्यू और फ्लेक्स एल्बो व्हेन यू कफ और स्नीज। मतलब आप मास्क पहनिए, आपका नोज और माउथ जो कि कवर करिए उससे, और आपको छींक आएगी तभी एल्बो से आप वो छींक को, मतलब आप स्प्रेड होने से बचाइए दूसरे को, वो छींक से स्प्रेड होने से बचाइए। तो चलिए आगे। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट 1 to 1 or 3 feet विथ पीपल हु आर अनवेल। मतलब अच्छे नहीं होंगे, जिनको अच्छा नहीं होगा, नॉट वेल, उनसे दूरी बना के रखिए क्योंकि वो वायरस स्प्रेड होता है क्विकली। स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स इन द हाउस होल्ड इफ यू फील अनवेल।
आप घर पे ही रहिए, आप अलग अलग जगह पे ना जाइए, क्योंकि वो वायरस स्प्रेडिंग के चांसेस बहुत है, स्प्रेड होता है फटाक से। सो टच डोंट टच योर आईज नोज और माउथ इफ योर हैंड्स आर नॉट क्लीन। आपके हाथ अच्छे नहीं होंगे तो आपको आप आपके आईज के आईज और नोज और माउथ को हाथ मत लगाइए, क्योंकि वो स्प्रेड होता है। तो लेटेस्ट स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन पीपल इन्फेक्टेड टुडे, तो ये आज का डेटा है जो कि मैंने निकाला है, स्टेट वाइज डेटा है। तो चलिए मैं देखता आपको दिखाता हूँ ये क्या है। महाराष्ट्र एंड केरला रिमेन द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन द कंट्री। महाराष्ट्र और केरला में हाईएस्ट केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के। सेकेंड पॉइंट है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस ऑफ द पेंडेमिटिक हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र विथ 215 इन्फेक्शन सो फार, फॉलोड बाय केरला एट 202। कर्नाटका हैज़ रिपोर्टेड 83 केसेस टिल नाउ, फिल द नंबर ऑफ केसेस हैज़ गॉन अप टू 17। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली हैज़ रिपोर्टेड 72 केसेस, गुजरात 69, विल द नंबर ऑफ केसेस इन राजस्थान हैज़ क्लेम्ड टू 60। तमिलनाडु हैज़ रिपोर्टेड 50 पॉजिटिव केसेस इच सो फार। तो पंजाब का है, तो देखते हैं पंजाब का। पंजाब हैज़ रिपोर्टेड 39 केसेस, विल 35 कोविड-19 केसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन हरियाणा। देर आर 41 केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 47, आंध्र प्रदेश 21, वेस्ट बंगाल 21 एंड अल्सो लद्दाख 13। बिहार हैज़ 15 केसेस, विल 10 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। चंडीगढ़ हैज़ 8 केसेस, विल छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड हैव रिपोर्टेड 7 केसेस सो फार। तो इतने सब आज के केसेस हुए एक दिन के, 24 घंटे के। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई लॉकडाउन इंडिया फॉर 21 डेज, क्यों लॉकडाउन हुआ हुआ आप सभी को पता है क्यों लॉकडाउन हुआ, उसका कुछ रीज़न होगा। हमारे पीएम ने बोला था उस दिन न्यूज़ में, जो कि 21 डेज लॉकडाउन हुआ है इंडिया, तो रीज़न कुछ होगा उसका। तो चलिए देखते। वी आर नॉट मूविंग द वन प्लेस टू अनदर, सो दिस वायरस कैन नॉट स्प्रेडिंग टू अदर पीपल एंड द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट और ट्रीटमेंट दस पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड टू कोरोना वायरस। तो ये इसका मतलब क्या है, आप एक जगह से दूसरे जगह ना जाइए, इसलिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए कि आप घर से बाहर ना निकलिए, और वो कर्फ्यू लगाए जो कि 144 सेक्शन लगाए। आप जब बाहर जाएंगे घूमेंगे तो वो वायरस स्प्रेड होगा, और जिनको हुआ होगा उससे दूसरे को लगेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है सब। और गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट और ट्रीटमेंटिंग 10 पीपल, मतलब जिनको हुआ है वो वायरस, तो उनके अच्छे के लिए, उनके इलाज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब बंद कर दिया है, क्योंकि ट्रीटमेंट कर सके उनकी और डॉक्टर्स उन लोग को अच्छे कर सके, इसलिए वो सब कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि अच्छे है। हम लोग को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो स्प्रेड होगा वायरस, तो हम लोग को भी लग सकता है। हम लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में वो सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, तो चलिए देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिसीजेस 2019, पेशेंट विथ कोविड-19 हैव एक्सपीरियंस माइल्ड टू सव रिस्पिरेटरी इलनेस। तो सिम्टम्स कैन इंक्लूडिंग फेवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये सब सिम्टम्स है, आपको ये नज़र आए तो आप भी डॉक्टर के पास जाइए, घर पे मत बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है अभी। पहले हम लोग को लगता था कि कुछ नहीं, ये दवाई घर से लेके मेडिकल से कुछ लाएंगे तो हो जाएगा ठीक, लेकिन अब आप ये घर 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 पे मत बैठिए, तो फिर डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। इसमें भी वही दिया है, नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक सिम्टम्स ही दिए है। ये मेन सिम्टम्स है, फीवर, कफ एंड शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ।
सिम्टम्स में अपियर 2 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर इफ यू हैव बीन टू चाइना विद इन द पास्ट 2 weeks एंड डेवलप सिम्टम्स कॉल योर डॉक्टर। तो आगे बढ़ते जो कि ये मार्च मंथ में जो कितने पीपल वर्ल्ड में इन्फेक्टेड हुए वो डेटा है हमारे पास, जो कि 1 मार्च से 31 मार्च तक ये डेटा जो कि कितने पीपल इन्फेक्टेड हुए हैं हमारे वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं ये मार्च मंथ हाउ मेनी पीपल इन्फेक्टेड इन वर्ल्ड। तो 1 मार्च 2020 88,585 पीपल आर इन्फेक्टेड। सो 10 मार्च का डेटा है जो कि 10 मार्च 2020 118,948 पीपल इन्फेक्टेड। 20 मार्च 2020 277,550 पीपल आर इन्फेक्टेड इन वर्ल्ड। एंड लास्ट इज 31 मार्च 2020 784,000 पीपल आर इन्फेक्टेड इन वर्ल्ड। सो मेनी पीपल इन्फेक्टेड। तो ये बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये बैनर कुछ हम लोग को सिखाता है। तो ये देखिए बैनर जो कि उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हम लोग को, जो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें। नाइस बैनर इन फ्यू वर्ड्स। तो ये मैसेज बहुत ही बढ़िया है। कोरोना कोई भी रोड पर ना निकले। तो आप भी ये फॉलो करिए रूल्स जो कि मोदी जी ने बोले, कोई भी रोड पर ना निकले। तो ये अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये देखिए, तो मैं कुछ न्यू लाया हूँ जो कि इंडियन रेलवे ने इनिशिएटिव लिया है। अभी चालू किया है उन लोग ने, देखते हैं अभी कब तक वो कंप्लीट होता है। इंडियन रेलवे टेकिंग द इनिशिएटिव, मतलब जो भी कोरोना पेशेंट होंगे मिलेंगे वो उसके लिए एक सेपरेट डब्बा, जो कि अलग अलग गाड़ी में, ट्रेन्स में एक एक सेपरेट डब्बे बनाएंगे जो कि हर गाड़ी में रहेगा। उसमें ये सब फैसिलिटीज रहेगी पेशेंट के लिए, और डॉक्टर्स भी रहेंगे। तो ये नया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, देखते हैं अभी कब तक ये पूरा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे है सेलिब्रिटीज डोनेशन फॉर द कोरोना वायरस इन इंडिया। तो कितने सेलिब्रिटी ने डोनेट किया पैसा, तो वो हम लोग आज देखेंगे जो कि लास्ट 8 to 9 डेज का डेटा है। फर्स्ट है कुमार सानू 5 लाख रुपीस दिया है। सेकंड में ऋत्विक रोशन 20 लाख, वरुण धवन 30 लाख, रजनीकांत ने 50 लाख रुपीस दिया है, कपिल शर्मा अल्सो 50 लाख, अक्षय कुमार 25 करोड़। सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा दिया है अक्षय कुमार ने 25 करोड़, एंड रतन टाटा ने भी 500 करोड़ दिया है। बहुत ही अच्छा इन लोग ने इनिशिएटिव लिया है। और मुकेश अंबानी ने भी 500 करोड़ दिया है। तो इतने सब लोग ने डोनेशन दिया है, आगे आ सकते और डोनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा ग्राफिकल डेटा है जो कि लास्ट 7 डेज का है, 22 मार्च to 28 मार्च तक कितने केसेस हुए इंडिया में और कितने से इंक्रीज हुए वो डेटा है। तो चलिए देखते वो डेटा। तो यही मैंने खुद ने बनाया है इन्फॉर्मेशन निकाल के। लास्ट 7 डेज डेटा, हाउ मेनी पीपल इन्फेक्ट इन इंडिया। तो 22 मार्च में एक्चुअल 283 केसेस थे, उसके बाद 396 हुए, मतलब 113 से इंक्रीज हुए। 23 मार्च को 396 केस हुए थे, उसके बाद इंक्रीज हुए, न्यू हुए 468 और इंक्रीज हुए 72। 24 मार्च को 468 केसेस थे, उसके बाद इंक्रीज, मतलब न्यू होके 566 हुए, और इसमें डिफरेंस इंक्रीज का 98। 25 मार्च को 566 टोटल केस थे, न्यू आए 645 और 79 इंक्रीज हुए। 26 मार्च को 645 केसेस थे, 720 न्यू आए और 75 इंक्रीज हुए। 27 मार्च को
720 केसेस थे न्यू 886 और इंक्रीज बाय 166। 28 मार्च को 886 केसेस थे एक्चुअल में, न्यू आए 933 और इंक्रीज हुए 47 से। तो ये इंक्रीज वाला कॉलम है वो कितने से बड़े, मतलब हाउ मेनी इंक्रीजेस। तो ये ग्राफिकल बनाया है, ग्रीन कलर का है वो कितने से इंक्रीज हुए वो दिखाया है, और रेड में न्यू दिखाया है और ब्लू में एक्चुअल दिखाया है। तो ये ग्राफिकल डेटा था 22 मार्च से 28 मार्च तक। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइए, कमेंट करिए। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।